हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गॉड स्क्वायर पर। वेलकम बैक टू माय चैनल गॉड स्क्वायर। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं वो तीन लॉ ऑफ मनी जो कि हमारी लाइफ में सक्सेसफुल बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करते हो तो आप उस पॉइंट से दूर हो जाओगे जो पॉइंट आपको ग्रैब कर आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल भी बंद मत करना, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। लॉ ऑफ मनी तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला लॉ जो आता है वो आता है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में फैन चल रहा है, वो फैन किस चीज की वजह से चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। जी हाँ दोस्तों, फैन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहा है, यानी कि जो फैन चल रहा है उसके पीछे एक कारण है, इसीलिए वो चल रहा है। ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है, हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे एक कारण छुपा हुआ होता है, बस हमें उस कारण को ही ढूंढना है, हमारी सक्सेस आधी से कम ग्रैप हो जाएगी। दूसरा जो लॉ आता है वो आता है सक्सेस एंड मनी आर दी अट्रैक्टेड बाय दी पीपल यू बिकम। जी हाँ दोस्तों, जैसे पीपल आप चाहते हो, सबसे पहले आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव योर सेल्फ। जब आप अपने आप को इम्प्रूव कर लोगे तो आपको एक क्वालिटी पीपल्स मिलेंगे, जिससे कि आपकी सक्सेस और मनी अट्रैक्ट होगी उन पीपल से जैसे पीपल आप चाहते हो। तो थर्ड लॉ जो हमारा आता है, थर्ड लॉ आता है ओनली विक्टर्स गेट रिवॉर्ड नॉट विक्टिम्स। इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक तो विक्टर्स, एक विक्टिम्स। दोस्तों इनका मतलब मैं आपको बता दूं, विक्टर्स मींस होता है विनर्स और विक्टिम्स मींस होते हैं क्रायर्स और लूजर्स। जी हाँ दोस्तों, जो विक्टर्स होते हैं वही हमेशा रिवॉर्ड गेट करते हैं, वही हमेशा रिवॉर्ड को लेते हैं, लेकिन जो विक्टिम्स होते हैं वो हमेशा रोते रहते हैं, रोते रहते हैं और कभी भी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते, लूजर्स कहलाने लगते हैं वो लोग। अब क्यों? हमेशा विक्टर्स जो होते हैं वो सक्सेस के रास्ते ढूंढते हैं, वो ये नहीं देखते कि सक्सेस खुद हमारे पास आएगी, वो सक्सेस के रास्ते ढूंढते हैं। कभी भी प्रॉब्लम्स जब भी आती हैं तो वो उन्हें ओवरकम करने के लिए उनके रास्ते ढूंढते हैं। और लूजर्स जो होते हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी, रोते रहेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम्स ये आ रही है, ये दूसरी प्रॉब्लम है, ये तीसरी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम गिनाते रहेंगे। कभी भी उन्हें ओवरकम करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है उन्हें ओवरकम करने की जरूरत? आप खुद सोचो, अगर आप उन प्रॉब्लम्स को गिनाओगे, उन्हें ओवरकम करने की चीज नहीं सीखोगे, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। यही होता है तीसरा लॉ ऑफ मनी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हुए बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये तीनों लॉ समझ आ गए हैं, तो जिसे समझ आ गए हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिख देना, और जिसे नहीं आए हैं वो नो जरूर लिख देना, जिससे कि मैं एक रेशियो बना सकूं कि मैं अच्छे से समझा पाया हूं आपको या नहीं। अगर नहीं समझा पाया हूं तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और फिर से आपको समझाऊंगा, तब तक समझाता रहूंगा जब तक आपको समझ नहीं आएगा। इसीलिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में यस या नो जरूर टाइप करके बताएं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट यस या नो, एंड चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वो घंटा है ना उसे जरूर बजा देना। अभी मंदिर नहीं जा रहे हैं ना लॉकडाउन के वजह से, इसीलिए उसे जरूर बजा देना, वरना भगवान जी नाराज हो जाएंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।